नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको बागपत, और बागपत में लोकल फिल्मों के, रीजनल फिल्मों के बहुत सीनियर एक्टर राजवीर सिंह डांगी, और राजवीर सिंह डांगी से पूछेंगे उनकी फिल्मों के बारे में, जो कि उनकी अभी अभी कई फिल्में रिलीज हुई हैं, और उनमें से जो अच्छा बिजनेस कर रही है उसके बारे में खुद राजवीर सिंह डांगी बताएंगे, और आने वाली फिल्मों में थोड़ी रोशनी डालेंगे। चलिए चलते हैं राजवीर सिंह डांगी जी के पास में। डांगी जी साहब नमस्कार। नमस्कार जी कमल सिंह जी, और लाइव न्यूज के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे राजवीर सिंह डांगी जी से कि आज आपका शूटिंग में बड़ा व्यस्त थे, और व्यस्त होने के बदला फिर भी आपने हमें इधर रोड पे लेके आए हैं, थोड़ा समय निकाला आपने, धन्यवाद आपका। आपकी अभी नई कौन सी फिल्म जो शूटिंग हो रही है, ये कौन सी चल रही है? अभी तो उसका हम नाम डिसाइड नहीं कर सकते जी, पर ईश्वर की कृपा से शूटिंग चलती रहती है जी। अभी 16 तारीख में हमारी फिल्म आएगी किरण जी, उसका अभी रिलीज किया हमने, ट्रेलर रिलीज किया है, आप ट्रेलर देख सकते हैं राजवीर मूवी पर जी। और मैं ये कहता हूँ 16 तारीख में वो आएगी जी, और वो एक ऐसी कहानी है एक पढ़ी लिखी दलित लड़की की कि पढ़ने से क्या फर्क हो जाता है, सोचना समझना कितना बदल जाता है, ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता कि हम रहते कहाँ, फर्क यह है कि हमारे दिमाग में क्या रहता है, बराबर हम किस लेवल के हैं जी, ये पहचानने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, बराबर एक पढ़े लिखे आदमी की सोच में, एक मतलब जी, वैसे नॉर्मल आदमी की सोच में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो फिल्म जो किरण है वो इस बात को बखूबी समझाएगी कि पढ़ना पढ़ाना, एक दूसरे की हेल्प करना, वो कितना मतलब आगे तक जा सकता है। अच्छा राजवीर जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो इतनी सारी करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, उनके मुकाबले आपकी टक्कर दे रही हैं, क्या कारण मानते हैं कि जो हमारी रीजनल फिल्म है, जिला बागपत, जिला मेरठ, जिला गाजियाबाद, पता नहीं इतने लोगों की फिल्म जो हमारी रीजनल फिल्में हैं, जो अच्छा व्यवसाय भी अच्छा कर रही हैं और अच्छा एक संदेश भी दे रही हैं, जो होना चाहिए हमारे इलाके के लिए, जो हमारे लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तो इसमें कैसा और नया होना चाहिए? देखो जी, नया तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ होता चला जाता जी। है, पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर होता है जी। कि भाई जैसी हमारे क्षेत्र की आदतें हैं, यहाँ के और एक्सपीरियंस हैं, उन्हीं को रिलेट करके हम अपना काम करें, बराबर लोग बागों को लगता है कि भाई ये बिल्कुल हम ही इस फिल्म में काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये लगता है भाई खेत क्यारी में काम करना, बराबर यहाँ के कई इतने मतलब टैलेंट के आदमी हैं, देखने में खेती करते हैं, मुंडा सा बांध के स्कूल में जाते हैं, और जब उनके मार्क्स आते हैं और क्या रैंक में जाते हैं, तो जिन आदमियों को ये सोचते थे कि अरे ये तो वैसा ही बराबर वैसी टाइप का है जी, वो अच्छा निकला। तो हमें तो ये देखना होता है भाई हमारे क्षेत्र में कैसी आदत के लोग हैं, उनके काम कैसे हैं और उनका असर कैसा है, तो इसलिए हम तो अपने क्षेत्र से बाहर निकलते ही नहीं भाई, हमारी तरफ से भाई अमेरिका चाहे चांद पे चला जाओ, हमें तो वो काम करना है ना, हम किस विधि हमारे मतलब सब्जेक्ट ऊपर तक जाएं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, काल्पनिक बातों में हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते जी, जी। तो समाज और इससे जुड़ी सारी बातों को हम मतलब एक ईजी तरीके से हम सब अपनी फिल्मों के थ्रू से दिखाते हैं। बहुत अच्छा राजवीर जी ने बहुत अच्छा बताया। अभी अभी मैंने इनकी एक फिल्म देखी कॉमेडी की, क्योंकि बहुत ही एक इनके साथ में कॉमेडियन है जिन्हें कहते हैं नोरंग पहलवान, उनके साथ में एक एक्टर, वो कौन सी मूवी थी उसके अंदर आपने तो बाकी पब्लिसिटी की, हमारे चैनल वालों की तो जरूरत ही नहीं है कि आपने इतना अच्छी कॉमेडी खुद ही कर दी कि पूरे देश के लिए, पूरे अपने रीजनल इलाके के लिए अपनी बात कह दी जी, जी, तो बड़ी अच्छी मूवी। उसे कहाँ से संदेश मिला आपको वो मतलब करने का? वो तो हमें ये था कि भाई सारी दुनिया फिल्म बना रही है जी, भाई हम क्यों ना कि ऐसी फिल्म बना रहे, वो हमारे चैनल को प्रमोट भी करे और भाई फिल्म की फिल्म हो जाए जी। हमने उसमें फिल्म का नाम था सुपरस्टार जी, हाँ तो हमने उसमें भाई हीरो को उसको सबको यही मान के चल दिया भाई तू सुपरस्टार, मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर जी, और भाई माँ को भी बुलाओ इन्हें भी बुलाओ, जिस पे जो काम जैसे हम घर में करते हैं जी ऐसे फिल्म भी बना लेंगे। देखिए बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे देखा विस्तार से, वो फिल्म मूवी देखी पूरे, मैंने
टीवी में बाकी लगा कर पूरी मूवी देखी, तो मैंने उसका सारांश ये निकाला कि बाकी अगर दिल में जुनून हो और कोई बात हो तो वो चीज़ को मतलब पीछे नहीं हट सकता, उसको कंप्लीट करता ही है। जो आपकी उषा माँ भी बहुत अच्छा, उन्होंने इतना करेक्टर जो उषा माँ का रोल करती थी, आपने उन्हें डायरेक्टर भी बना दिया, जो कि एक घरेलू भाई गृहिणी है, गृहिणी है, उन्होंने ऐसा अच्छा डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन अपने आप हो जाएगा, कैमरा चला दो पहले, जैसे अभी तो कॉमेडी पीछे से नहीं थी, अपने आप हो जाती है, जैसा कि आप कपिल शर्मा के शो में देखते हो कि कॉमेडी पीछे से नहीं आती है, कॉमेडी वहीं बनती है और ये दिमाग में तुरंत ही आ जाती है एकदम से कि क्या बोलना क्या नहीं, जो कुछ नहीं बोल रहा वही कॉमेडी है। उसमें तो हमने क्या किया, जो आदमी दर्शक आ रहे थे देखने, मगर भाई हमारा तो उद्देश्य यह है कि पहले हमारे सब्सक्राइबर पड़े, बराबर आदमी के कपड़े पकड़ पकड़ के हमने सब्सक्राइब कराया, तो मना कर रहा था उसको कोने में लगा करके सब्सक्राइब कराया, अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें तो ये दिखाना था भाई, हमारा उद्देश्य है सब्सक्राइब कर लो, चैनल आगे बढ़वा दो और फिल्म विलम जैसी तुम्हें लगे समझ लेना। तो आपने एक और यानी वो फोन पे आपके नौरंग पहले उसके साथ डांस भी किया था, तो डांस भी यानी आपको तो जो देखो कहते हैं कि एक फिल्म स्टार हुए धर्मेंद्र, फिर मुंबई में धर्मेंद्र एक ऐसे स्टार रहे हैं जो कि उनपे डांस नहीं आता, लेकिन जो वो करते हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो वो हम सभी देते हैं कि देखिए जो राजवीर सिंह डांगी जो कर रहे हैं वो अपने आप में एक अलग है और इनका अपना है, किसी के कोई कोरियोग्राफ नहीं है और किसी की नकल नहीं है, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखो जी, नकल के तो हम बहुत खिलाफ, बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे भी एक बार मुझे नकल की जरूरत पड़ गई थी 12th में, हमारे पिताजी बोले तू रहने ही दे, रहने दे नकल तो नकल ही है, ऐसा पास होने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी हमारे भाई ने थोड़ा सा एक को बोला था, उनको भी थोड़ा ध्यान रखूं, तो इस तरीके से नकल से तो काफी खिलाफ है, कोई फायदा भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जब वो डांस वाली बात, तो जब फिल्म बन गई हमने सोचा भाई इसमें एक ही तो कमी रहेगी फिल्म में, भाई डांस नहीं आया, तो हमने सोचा कोई सीन नहीं है कुछ नहीं है, चलो इस खुशी में ही डांस कर ले भाई, हमने फिल्म की शूटिंग, वो पता चला कि वो डांस होते ही कि फिल्म का तो कैमरा ही ऑन नहीं हुआ पूरी फिल्म में। ऐसा कई जगह होता है, ऐसा फिल्मों में कई बार होगा कि कोई इम्पोर्टेंट सीन है ना, वो बहुत ही वही सीन था और वही रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले कैस्ट्रो मुखर्जी हुआ करते थे, असरानी हुआ करते, पता नहीं कौन सी मूवी थी उसमें बड़ा अच्छा देखने को मिला कि भाई धर्मेंद्र पूछता है रिकॉर्डिंग कीजिए तो तार ही नहीं लगी। सर आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण नागर। प्रवीण जी नागर जी कहाँ रहते हैं? वेरी गुड। आपको हमारे डांगी साहब की कैसी फिल्में लगती हैं? बहुत अच्छी। अच्छा, अभी आपने कोई नई फिल्म देखी है इनकी? नहीं, पहले काफी बार देखी है पर अब नहीं देखी। नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं छोटे छोटे जा रही है। आप क्या क्या नाम है? नितिन जी कहाँ रहते हैं? तो मतलब राजवीर सिंह डांगी में ऐसा क्या है जो मतलब इनकी एक्टिंग को आप आगे को आ जाइए तो आप ऐसे छुप जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरे में, क्योंकि मैंने गलत जगह खड़ा कर दिया। अच्छा, नहीं 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 सही है। हमारे पीछे और भाई जो खड़े हैं साथ में खड़े, मैं तो इनसे पूछा क्या नाम भाई जी आपका? कार्तिक कुश। कहाँ के रहने वाले हैं? पहलादपुर। खट्टा पहलादपुर ये पास में होगा, खट्टा डोला मीतली। हाँ, ये इधर गांव मशहूर है, कहीं मैंने सुना था वही खट्टा डोली मीतली डिकोली पांडी, इधर ही है लगता सारे गांव। तो आपको मतलब इनके अलावा और जो इनके साथ काम करते हैं कैसा लगता है, किसका अभी इन्हें अच्छा लगता है आपको? इनका अच्छा लगता है और जो मन्नू है उनका भी अच्छा लगता है। मन्नू कौन है जी? मन्नू उत्तर कुमार। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ भी उत्तर कुमार की छाप है, छोड़े बगैर हमारे राजवीर सिंह डांगी जी तो हैं ही, और जो दर्शक आगे उत्तर कुमार जी के देखो हर जगह मिलेंगे, और वो आगे उस योग्य हैं और वो इस लायक हैं कि उन्हें खाली रीजनल में नहीं, आज के टाइम में देखिए हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी फिल्में चलती हैं, जो हमारे इलाके की बॉडी लैंग्वेज जो उत्तर कुमार ने हमारे लोगों को दी है, दर्शकों को दी है, ऐसी भाषा का प्रयोग यदि अच्छे से करने लगे तो एक अलग उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान होगी, और उत्तर प्रदेश में यानी सब लोग यही भाषा बोल करके हमारे जिला मेरठ, जिला गाजियाबाद, जिला बागपत को हाईलाइट करेंगे और इस भाषा को दुनिया तक ले जाएंगे। तो हम ये जानते हैं उत्तर कुमार जी का नाम, धन्यवाद सुन रहे होंगे उत्तर कुमार जी, बड़े गदगद हो रहे होंगे। आपका क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस जी कहाँ रहते हैं? खट्टा प्रतापपुर। ये भी खट्टा पहलादपुर के ये पास में, देखिए बड़ा अच्छा, आज ये हमारे राजवीर सिंह डांगी जी को देखने के लिए रुके हैं, और बहुत ही मैं तो देखता हूँ कि इनका इतना प्रभाव और इतना नाम है कि देखिए रोड पे चलते चलते लोग रुके। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर आजाद। अच्छा, आगे को आ जाइए आजाद जी।
देखिए डॉक्टर आरएमपी भी होते हैं, एमबीबीएस भी होते हैं, बीएमएस, देखिए कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर पैसे एक अलग है, लेकिन ये भी आकर के कला से कोई पीछे नहीं हटाया, और वो भी यानी आज हमारे राजवीर सिंह डांगी जी की वो सुन करके बड़े यानी रुके हैं, और इनके विचार सुने बड़ा अच्छा लगा। और सर अभी मैं एक बात और बताऊं, सर हाँ। डांगी जी हमें कुछ कहना चाहेंगे। जी देखो, जो उत्तर कुमार जी की धाकड़ छोरा फिल्म, जी धाकड़ वर्ड अपने आप में एक ऐसा वर्ड हुआ जी, जिसने कोई भी काम कर दिया जी, किसी ने गाड़ी पे लिखवा दिया धाकड़ गाड़ी, धाकड़ हो गया जी। किसी ने ट्रैक्टर पे कुछ करवा दिया, उस पे भी धाकड़ लिखा गया। कोई भी कुछ काम कर दे फिर वो अपने को धाकड़ महसूस करता है। हमारे गांव में भी एक धाकड़, उसे धाकड़ बोलते हैं। बहुत बच्चों ने अपने नाम धाकड़ के साथ जोड़ दी, धाकड़ यानी अलग ही नाम है हमारा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जिला मेरठ में से सारे जिले बटे हुए हैं, और ये धाकड़ सब इधर बहुत फेमस हुआ है। मैं तो जानता हूँ, मेरे ख्याल से 25 साल हो गए होंगे, 20-25 साल इस फिल्म को। जी। तो जब से वो नाम आज तक नहीं भूला है कोई भी। नहीं, ऐसा किसी का घेर बहुत बड़ा बढ़िया बन गया, कह रहे बहुत धाकड़ घेर है। क्या बात है, मतलब एक धाकड़ एक ऐसी खोज समझी, सबने दिल में ऐसा समझा बस जो कुछ अलग सा हो जाएगा। अच्छा, धाकड़ में तो कई लोगों ने नकल भी की है, लड़कियों ने कह दिया धाकड़ छोरी। नहीं, वो तो घनी है, धाकड़ न्यूज भी है, धाकड़ बहुत है। ये हरियाणा में भी चलता है धाकड़, ये नकल हरियाणा वालों ने लिया है। हाँ, जो धाकड़ वो बना दिया है इसे, जो ये कोई बाइक है ठाडी सी, जैसा ये बुलेट वुलेट से बताओ, देखने वाला नूनी क्या बढ़िया बाइक है, बहुत धाकड़ बाइक है। इतना मतलब उत्तर जी का वो इतना धाकड़ शब्द इतना सबने जोड़ा खुद से, एक सर्च सा था जी। तो हर कोई यही महसूस करता है भाई, ये काम करेगा बहुत धाकड़ काम करे, उसने बहुत वो करे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो धाकड़ बड़ा हाईलाइट हुआ। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, महसूस भी किया है, आपकी केमिस्ट्री जी जो उषा माझी के साथ मिली, जी ऐसा क्या संयोग है कि मतलब बड़ा अच्छा, आप देखिए जोड़ी तो आपकी हिट है, हर किसी के ना किसी के साथ होती है, ऐसा क्या आपकी केमिस्ट्री बनती है जिससे कि अपने आप ही एक्टिंग होती चली जाती है? देखो, इसमें केमिस्ट्री बनने की एक सबसे बड़ी बात यह है जी, उषा जी बड़ी तजर्बे की जी, मतलब एक जी, और उसी माहौल से निकली हुई है, गांव गली की हर एक्टिविटी को वो समझती है जी। तो जो आदमी समझता है, जिसने ऐसा फील किया है, तो वो अच्छा रिएक्ट करता है बराबर। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो बताती हैं खेती से लेकर के और भाई फिल्मों तक का जी। सब काम मतलब एक खुद करने का जो तरीका जी। था जी। वो यही था, जैसे गांव का एक सिंपल आदमी, वही लोगों को अच्छा लगता है बराबर, ऐसा ही हमारा भी है बराबर। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर जी ने इस क्षेत्र की यही तो बात पहचानी बराबर, और फिर सबने नकल करके करके ऐसे ऐसे सबने यही सोचा। नहीं, अभी भी मैं भी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि आज उत्तर कुमार जी यहाँ है नहीं, लेकिन जहाँ भी होंगे सुन रहे होंगे, हमारे चैनल के द्वारा सुनेंगे, आप सब लोगों के द्वारा मतलब सबको देखेंगे चलेंगे, क्योंकि ये साधन ही एक हमारे पास आसान है, जिससे सभी लोग इसको पसंद भी करते हैं, दूर दूर तक इसको देखते भी हैं लोग, और एक दूसरा दूसरे को जाके बताता भी है कि भाई ये न्यूज वहाँ चल रही थी, ये वहाँ चल रही थी। मैंने पटवारी उत्तर कुमार की मूवी अभी देखी, मेरा समय नहीं मिला, मैं बड़ा बिजी वो हूँ, नहीं आ पाता हूँ, तो दिल्ली से बागपत आना कठिन काम है, मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन अचानक मैं निकल रहा था इधर से मेरे साइड से, तो आपसे मैंने फोन कर लिया, मैं कही हाँ तो आ जाओ, तो मैं आ जाओ, गाड़ी घूमगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पटवारी फिल्म, मैंने उनके बारे में बात करनी थी कि बाकी उन्होंने फिल्म प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर के वो सीन मार दिया, अच्छा हुआ हिट हो गया। जी। देखो, सीन कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ता है। धर्मेंद्र जी के बड़े फैन है उत्तर कुमार जी, उन्होंने मतलब उन्हीं फिल्म प्रतिज्ञा का सीन मतलब पटवारी में डाल दिया, अच्छा लगा, और उन्होंने न्याय किया है फिल्म के साथ में, पसंद है, लोगों को पसंद आ रही है, चल रही है, हम तो धन्यवाद करते हैं उनका, और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहे, और आप भी अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, और आपका हम कहते हैं सारे इलाके के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग आपको पसंद करेंगे चौं जी। हाँ, पूरी दुनिया के लोग देखें, और जो चैनल को देख रहा है, हम तो कहते हैं राजवीर सिंह जी के जो प्रोग्राम देखें और इनकी फिल्मों को देखें, क्योंकि देखने से ही आदमी को जानकारी मिलती है, इससे आदमी का अंदरूनी पता चलता है कि इसका बिहेव क्या है, या ये कौन सा चीज देने चाहते हैं। देखो भाई, हम तो यही देना चाहते हैं, जैसा अपना यहाँ का चरित्र है जी। हमारा चरित्र सादगी है बराबर, वीरता है, देशभक्ति है, खेती किसानी है जी। भाई, इन भक्ति के हम कोई भी मोहताज नहीं है बराबर, तो हम क्यों उस दूसरी फुवड़ता में जाएं बराबर, इन्हीं बातों को हम दूसरों को समझा दे जी। ईश्वर की दया यही हम पे रहे कि हम दूसरों को ये अपना सादापन समझा दें। चलिए, अच्छा,
आपने हमारे लाइव न्यूज दिल्ली चैनल के लिए बहुत कुछ अच्छा बोला, हमारे दर्शकों के लिए भी यानी दोस्तों को बोल देना भाई। मैं तो यही कहता हूँ कि कमल सिंह जी के चैनल को खूब मन लगा करके देखिए, ये इन्हीं बातों को टटोलते रहते हैं और इनका खुद का भी अपना एक मन है भाई, कलाकार की एक अंदरूनी इच्छा होती है। नहीं, ये चाहते हैं, दिल में इतना भर के रखते हैं कि भाई मेरठ आसपास के क्षेत्र को लेकर के हम ये 1857 से लेके यहाँ तक की एक कहानी को एक ही दिन में करना चाह रहे हैं। बराबर, देखिए मेरे दिमाग में जुनून है कि मैं भी जिला मेरठ का हूँ, तो मैंने जिला मेरठ टाइटल रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो मैं भी ऐसा चाहता हूँ मैं जिला गाजियाबाद